तो हाय एवरीवन, फिर एक बार आज वीडियो लेक्चर्स लेने जा रहा हूँ मैं। और ये जो टाइप होगा लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाला होगा, ठीक है, बड़ा इजी टाइप है ये। वही जो कल किया था, कल के लेक्चर में किया था, इसके पहले वाले वीडियो में देख लेना। अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बुरी न्यूज़ ये है कि तुम लोग यार वीडियो देखते नहीं हो, और मैंने डिसाइड किया कि अब यार बंद कर देते इस कॉन्सेप्ट को अभी। आई होप अगर अगले एक हफ्ते में मुझे पर वीडियोस मिनिमम 100 व्यू नहीं मिले तो नो लेक्चर विल बी टेकन फर्दर। कारण क्या है कि बहुत सारे बच्चों के लिए मैं ये जो मेहनत कर रहा हूँ, मुझे आउटपुट नहीं नज़र आ रहा है, ठीक है। बच्चे वीडियो नहीं देख रहे हैं, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, कई पेरेंट्स से बातें हुई, कंप्लेंट भी कर रहे हैं। पेरेंट्स कह रहे हैं कि नहीं सर, अभी थोड़ा बहुत ध्यान बीच में तो था बच्चों का पढ़ाई पे, लेकिन अब आराम से वही उठते हैं। तो अगर बात ऐसी है तो भाई मैं रात में, दिन में, पूरी मतलब काफ़ी मेहनत करता हूँ। तुम देखोगे तो नोट्स प्रिपेयर कर दिया। लिंक लिंक की सबसे बड़ी बात है कि भाई लिंक इतना लगा, लिंक दे रहा हूँ तुम लोगों को, तुम उस पर भी कुछ नहीं कर रहे हो, तो फिर मतलब नहीं है ना। ठीक है, थोड़े देर के लिए एक बार वही क्वाड्रेटिक वाले 9 फॉर्मूले जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे उसको देख लो, क्योंकि करने तो वही वाले हैं। पहले वर्किंग रूल समझा देता हूँ कि क्या वर्किंग रूल है। देखो, इसका क्वेश्चन तुम्हें ऐसे मिलेगा, आई इक्वल टू डी एक्स अपॉन, डी एक्स नहीं होगा यहाँ पे, पी एक्स प्लस क्यू होगा, पी एक्स प्लस क्यू होगा, ठीक है। नीचे होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा, ठीक है, डी एक्स। या फिर आई इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू अपॉन, नीचे अंडर रूट हो सकता है। अच्छा, ये सेम ना आगे जाके एक्चुअली इस बार इन लोगों ने काफ़ी गड़बड़ कर दी है। मुझे एक्सपेक्टेशन था कि ये लोग सेग्रीगेट करेंगे बुक को, लेकिन सेग्रीगेट तो इतना बुरी तरीके से किया है भाई, क्या बोलूँ मैं। ठीक है, इसका एक न्यूमरेटर वाला वर्जन भी बनाया जा सकता है, ये टाइप ऐसे मिलेगा, ठीक है। इसमें करना क्या है, स्टेप वन करना है। क्या है स्टेप वन, कि पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू ए ए टाइम्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस बी, ठीक है। तो मतलब पी एक्स प्लस क्यू न्यूमरेटर इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए इंटू टू ए एक्स प्लस बी प्लस बी। अभी टर्म कंपेयरिंग, यूजिंग यूजिंग टर्म कंपेयरिंग, टर्म कंपेयरिंग, टर्म को कंपेयर करके, टर्म कंपेयरिंग गेट ए एंड बी। टर्म को कंपेयर करके ए और बी निकाल लो। कुछ बच्चे बोलेंगे क्या होता है टर्म कंपेयरिंग, जैसे इसको मल्टीप्लाई करो, टू ए एक्स बराबर पी, फिर बी ए प्लस बी इक्वल टू क्यू, तो ये तो आ जाएगा। जैसे ए और बी मिलता है तो फिर वही न्यूमरेटर की जगह पे आप रख दो ए, ये हो जाएगा टू एक्स प्लस बी, ठीक है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट से नंबर वन प्लस बी, ठीक है, अपॉन जो भी है, सपोज करो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, और ये एक नंबर्स होंगे, ये जो नंबर्स होंगे, ठीक है। फिर आपको अगले स्टेप में क्या करना है, ए आई इक्वल टू ए टू ए एक्स प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, डी एक्स प्लस बी डी एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो आपने ये कर लिया, फिर इसका डेरिवेटिव ये है, ठीक है। तो रूल तो तुम पढ़े ही होगे, कोई बच्चा बोलेगा कौन सा वाला, इंटीग्रल ऑफ ये एफ डैश एक्स है, ये अपॉन एफ एक्स है, ठीक है। तो एफ एक्स को अगर टी मानते हो तो ये डी टी बन जाएगा, तो एल एन ऑफ मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस सी। फिर एक और रूल जो बहुत फेमस है, आई इक्वल टू अगर ये एफ डैश एक्स है और ये रूट ऑफ एफ एक्स है, रूट ऑफ एफ एक्स है, तो ये टू रूट एफ एक्स प्लस सी हो जाएगा, टू रूट एफ एक्स प्लस सी। तो ये वाला पार्ट तो तुम्हारा इजीली हो जाएगा, ये तो तुम लिख सकते हो कि एल एन ऑफ मॉड ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी, आप इस पे ऐसे लिख सकते हो, और प्लस बी वाला पार्ट, तो ये तो वही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वाला है, इसको सॉल्व करो से आई वन, और प्लस वो इंटीग्रेशन का कॉन्स्टेंट सी। अभी आई वन तो वही जो पहले वाले टाइप में बता चुका हूँ, ठीक है ना? तुम बोलोगे कौन सा, तो 3 पॉइंट, ये जो पढ़ाने जा रहा हूँ ये तो 3.2 का सी वाला पार्ट है। अब देखो 3.2 एक्सरसाइज पे ए बी सी करके उन्होंने दिया, तीन अलग अलग एक्सरसाइज दिए हैं, वो चाहते तो 3.2, 3.3, 3.4 भी दे सकते थे, लेकिन ए बी सी दिया है। उन्होंने कैटेगराइज करने की कोशिश की है कि भाई इस सब में वही क्वाड्रेटिक वाला चलता है नियम, ठीक है, बट उतनी इफेक्टिवली कैटेगराइज नहीं कर पाए इसमें। अगर तुम जेई की तरफ जाओगे तो फिर ये वाला भी मिल सकता है, अलजेब्रिक ट्विंस, ठीक है, बहुत सारी चीजें नोट्स में डाल दी है, ठीक है, एक बार उसे अच्छे ढंग से देखो। और ये लेक्चर के साथ साथ अच्छा, इसके साथ जो नोट्स डालूंगा वापस से, जो 3.2 का बी वाले पार्ट में बताया था ना 10, 11, 12, 13 वाला, वो सेम नोट्स इसके साथ भी अटैच करूंगा, क्योंकि एक्चुअली ये सब ना उसी नोट्स में दिया है मैंने, तो ठीक है एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना। तो देखो ये है वर्किंग रूल। अच्छा बच्चा बोले ठीक है सर समझ में आ गया, तो अभी क्या करें, चलो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं, देखते हैं कितने न्यूमेरिकल्स हैं, और फिर इसके बाद मैं पार्शियल फ्रैक्शन पे आऊंगा, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। और एक बार ये सब जब हो जाता है तब ये जब पूरी बोर्ड की बुक हो जाएगी तब हम जेई की तरफ मूव करेंगे। सो टोटल मिला के 9 न्यूमेरिकल है, 9 में से मैं सोच रहा था 5 या 4 मैं कर दूं, कोशिश कर रहा हूँ 4 मैं करूँ, ठीक है। सो कोई बच्चा बोले ठीक है करो, सो 3.2 सी वाला पार्ट, फर्स्ट पार्ट ही है, एक ही पार्ट है उसका, मुझे लगता है थर्ड वाला न्यूमेरिकल मुझे करना चाहिए, ठीक है। 2x+3, 2x² + 3x-1। हालांकि जो मैंने वर्किंग रूल लिखा ना, सेम स्टेप आप, जरूरी नहीं कि वो स्टेप दिखा हो, आप ऐसे रफली भी कर सकते हो। जैसे कोई बच्चा बोले कैसे, बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा, d/dx(2x²+3x-1) क्या होगा, तो आंसर आएगा 4x+3। तो एक बच्चा बोलेगा ठीक है तो क्या करें, हाँ तो 4x+3 क्रिएट करो ना। कोई बच्चा बोलेगा कैसे, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 कर दो, तो ये 4x+6 हो जाएगा, ठीक है, 4x+6, 2x² + 3x-1, और ये dx। अब आगे इसको स्प्लिट कर दो, ऐसे कर दो 1/2, और इसे लिख दो 4x+3 + 3 d/2x² + 3x-1, और ये हो गया dx, ठीक है। तो अगर ये समझ में आ गया तो इसके बाद ये वाली लाइन भी तुम्हें समझ में आएगी, जब मैं इसको अलग अलग कर दूंगा, 1/2, 4x+3 और 2x² + 3x-1 dx+3। अच्छा बहुत लोग गलती क्या करते हैं, या तो फिर ऐसे ब्रैकेट डाल दो तो हाफ बाहर रहेगा, नहीं तो हाफ 3 के साथ भी जाएगा, 3/2 dx/2x² + 3x-1, ये ऐसे हो जाएगा। फिर बच्चा बोलेगा ठीक है सर ये हो गया, तो फिर यहाँ कौन सा रूल लगने वाला है, यहाँ पर लगने वाला है इंटीग्रल ऑफ f'(x)/fx, f'(x)/fx ln ऑफ मॉड ऑफ f(x)+c, ये वाले पार्ट के लिए लग जाएगा, और वहां तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जाएंगे। 1/2 ln ऑफ मॉड ऑफ 2x² + 3x-1, ठीक है, प्लस यहां से 2 बाहर ले लो, 3/4। अच्छा कोई बच्चा कहेगा क्यों बाहर ले, अरे यार वही कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यहाँ पे एक स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना होता है, dx/x² + 3/2x -1/2 और +c1। कोई बच्चा कहेगा ये क्या है, तो
इंटीग्रेशन का कांस्टेंट इसका आंसर लिख दिया ना, वो तो डालना ही पड़ेगा। फिर क्या था रूल बताओ, ये जो है ना इसका आधा, 3/2 का आधा, तो लोग बोलते हैं सर 5/2 कट गया। अरे कैसी बात कर रहे हो, 3/2 / 2, 3/4 हो जाएगा ना का होल स्क्वायर। वो थर्ड टर्म तुम्हें याद है ना, थर्ड टर्म वाला फंडा, वो थर्ड टर्म ढूंढना है ना तुम्हें यहाँ पे। सो आई इक्वल टू हाफ ऑफ ln ऑफ मॉड ऑफ 2x² + 3x - 1 + 3/4। अब इसे कंप्लीट कर लो, dx / x² + 3/2x + 3/2 का आधा, 3/4 का होल स्क्वायर, 9/16 ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, 9/16 ऐड किया, 9/16 सब्ट्रैक्ट किया, +c1। अब एक बच्चा बोले ठीक है सर समझा, उसके आगे ठीक है थोड़ा आगे जाने के लिए मुझे लगता है टेबल मुझे चाहिए, जगह कम पड़ेगी लिखते वक्त। ठीक है, आई इक्वल टू हाफ ऑफ ln ऑफ मॉड ऑफ 2x² + 3x - 1 + 3/4 dx अपॉन, ठीक है अभी ये हो जाएगा x + 3/4 का होल स्क्वायर, x + 3/4 का होल स्क्वायर। अब 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो -8 - 9 -17 हो गया। अच्छा मैंने तो बोला ना इसमें लिखना होता होल स्क्वायर में √17 और नीचे बाई 4, तो ऐसे का होल स्क्वायर +c1। ठीक है, तो ये तो मिल गया x² - a² आई इक्वल टू हाफ ऑफ ln ऑफ मॉड ऑफ 2x² + 3x - 1 + 3/4। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 है, 2 × √17/4। ठीक है, 1/2 है ln ऑफ मॉड ऑफ x माइनस ए, तो x वाला टर्म तो x + 3/4 - a √17/4 और x प्लस ए x + 3/4 + √17/4। ठीक है, और +c डाल देते हैं, +c, देखो जगह की काफी क्राइसिस है। फिर हो गया आंसर, बस यही कर दो, ये 4 इससे चला जाएगा और एलसीएम ले लो तो यू विल गेट द फाइनल आंसर। सो दिस इज द वर्किंग, अगर इसे समझ लिया तो आई डोंट थिंक कि तुम कहीं पर अटकोगे। और सारे टाइप्स ऐसे ही है, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही है, देर आर टोटल 9 क्वेश्चंस, 9 में से जो थर्ड वाला मैंने करा दिया, अब मैं फोर्थ वाला करा देता हूँ, फिफ्थ वाला कराता हूँ, ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, फिफ्थ वाला करा देता हूँ, सिक्स्थ वाला करा देता हूँ, ठीक है सेवेंथ वाला तुम ही कर लेना, 8 और 9 देख लेता हूँ मैं। तो कैसा लगा, ये कुछ था इसमें? नहीं बिल्कुल था ही नहीं कुछ, देखो बस वही एक पहला वाला टर्म है। अच्छा कोई बच्चा बोले सर अगर मान लो वो मुझे क्लिक नहीं हो, तो जैसे आप ये कर रहे हो तो ठीक है, मैंने वर्किंग तो दे दी ना तुझे, वर्किंग दे दी, वर्किंग फॉलो कर, ठीक है यू फॉलो द वर्किंग। तो शिकायत बहुत सारी है, तबीयत भी मेरी ठीक नहीं है इस वक्त स्टिल, और टेम्परेचर, जब मैं ये लेक्चर बनाता हूँ तो मुझे फैन स्विच ऑफ करना पड़ता है ताकि साउंड क्वालिटी, खैर वैसे भी प्रॉपर सेटअप नहीं है तो बुरी तो रहती है बट और बुरी ना हो, इसलिए मुझे करना पड़ता है। और जो फीडबैक मुझे चाहिए स्टूडेंट से, एंड बेसिकली व्हाई आई एम डूइंग ऑल दोस थिंग्स, द रीजन इज दैट मुझे ना किसी बच्चे का टाइम वेस्ट नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा लॉकडाउन का टाइम है, बच्चा पूरी तरह घर पे है, और जब चाहे तब यूट्यूब खोल के वीडियो देख के प्रैक्टिस करके मुझे रिपोर्ट कर सकता है। अच्छा ये बच्चा कोई ऐसा भी हो जो बाहर का हो देख रहा हो तो मुझे नंबर भी आज मैं छोड़ देता हूँ मेरा, ठीक है, तो आप मुझे कॉल करके भी अपने डाउट्स पूछ सकते हो। और बहुत जल्दी मैं सोशल मीडिया पे एक व्हाट्सएप व्हाट्सएप करो मुझे, अपने डाउट्स व्हाट्सएप करो, ठीक है, लेवल कोई भी हो, लेवल से मैं नहीं देखता, मेरे लिए मैथ्स मतलब मैथ्स है, मैं आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग जेई मेंस एडवांस एंड ऑल दोस थिंग्स, मैथ्स मतलब मैथ्स, चीजें बेचने के लिए बेची जाती है मेंस एडवांस बोल के। ठीक है क्या करेंगे, 7x + 3 = a टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक, डेरिवेटिव ऑफ, आई रिपीट, डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक, 0 + 2 - 2x,
ठीक है, प्लस बी। अब इसको खोलोगे तो 7x+3 इक्वल टू 2a-2ax+b। इसको यहाँ पे सिंपलीफाई करने से आ गया a इक्वल टू 2ax वाला पार्ट है ना, तो -2a इक्वल टू 7, तो -7/2 आ गया। और 2a+b इक्वल टू 3, यहाँ लिख लेते हैं 2a+b इक्वल टू 3, जिसमें 2 × -7/2+b इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 3+7, बी इक्वल टू 10। तो देखो ए भी तो आ गया, तो अगर तुम डाल दो, मैं तो बोलता हूँ अभी यही डायरेक्टली लिख दो ना, ए टाइम्स ऑफ ए कितना है -7/2 टाइम्स ऑफ 2 − 2x जो नीचे वाले का डेरिवेटिव हो गया, प्लस बी मतलब 10 अंडर रूट ऑफ 3+2x − x2 dx। अलग अलग कर देते हैं, i इक्वल टू -7/2 इंटीग्रल ऑफ 2 − 2x अंडर रूट ऑफ 3+2x − x2, ये हो जाएगा dx, प्लस 10 dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 3+2x − x2। अब कोई बच्चा बोले ठीक है सर ये कर लिया, अब आगे क्या करें? अब क्या करोगे आगे, इसको t मानो तो ये dt है, तो 1/√t सोचो किसका होगा, 2√t ना, तो ये तो आ गया। तो अगर फॉर्मूला लिख दो तो द बेस्ट, और अगर नहीं लिखते हो डायरेक्ट भी कर दे तो ठीक है, जेई वाला जो बच्चा है उसके लिए तो फिर आंसर मिल ही गया ना, 2√3+2x − x2। तो ये 2 कट गया, ये दूसरे बच्चों के लिए dx अपॉन अंडर रूट ऑफ, ठीक है 3 प्लस, चलो आगे करने के लिए मुझे x2 का कोएफिशिएंट पॉजिटिव चाहिए, तो माइनस कॉमन ले लिया, ये हो गया x2 − 2x, ठीक है। अब इसका आधा कितना हो जाएगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड 1 का स्क्वायर 1, तो 1 ऐड किया, बेसिकली ब्रैकेट खोलोगे सबट्रैक्ट किया है, 1 यहां पे कर दिया, ठीक है। अब माइनस प्लस c1 डालना मत भूलना भाई। अच्छा कोई कहे कि सर जेई के लिए भी, देखो पढ़ाऊंगा तो तरीका वही रहेगा, तरीके में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, मेरे पास शॉर्टकट्स है सर्टन क्वेश्चन के, ठीक है, बट ये सब क्वेश्चन के शॉर्टकट नहीं है, लेकिन ये जब चेंज, तरीका चेंज नहीं होगा, लेकिन वही है बोर्ड में लिखते वक्त ये सब नहीं लिखोगे ना माइक्रो चीजें, तो मार्क्स कट जाते हैं। -7/√3+2x − x2 + 10 dx upon under root of 2 square − x − 1 whole square + c1 + c1 −7/√3+2x − x2 + 10। अब ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ x − 1/2 + c1, बस हो गया। आई डोंट थिंक कि इसमें बहुत बड़ी बड़ी चीजें थी, मुझे तो लगा पूरा बोर्ड भर जाएगा, लेकिन इसके लिए जो मैंने यूज किया ना, कोई बोले बच्चा कि सर कौन सा रिजल्ट यूज किया, तो बता देता हूँ कि इसके लिए, कि अगर ये f'x है और ये रूट ऑफ एफ एक्स है, तो इसके लिए मैंने 2√f(x+c) ये वाला यूज किया है। कहीं देखो कुछ तुम्हें लगे कि डाउट है तो पूछ लो, होपफुली डाउट क्या है, सीधा सीधा प्रोसीजर है, नोट्स रिफर करो, फिर इस वीडियो के साथ नोट्स अटैच करूंगा, देख लेना एक बार, क्योंकि नोट्स में बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखे गए हैं। अच्छा कोई एक बच्चा बोले सर आपका नोट्स जो आपने इसके पहले वाला अटैच किया था उसमें एक टाइप देखा था, मैं पूछूंगा वो टाइप क्या था, सर ऊपर भी एक क्वाड्रेटिक था, सपोज करो ऊपर भी एक क्वाड्रेटिक है x2 + 5x + 3, उसको कैसे करें, ठीक है, तो ऐसे होता है, इसको कहते हैं q1 और इसको कहते हैं q2, तो q1 इक्वल टू
टाइम्स ऑफ क्यू टू प्लस बी टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ क्यू टू और प्लस सी। तो जैसे आप ये करके खोलोगे ना तो टर्म कंपेयरिंग वहां पे, यहाँ कैसे करते थे एक्स का एक्स के साथ कंपेयर किया, तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन बनता था दो वेरिएबल में ए और बी। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन बनेगा मतलब अननोन्स में, ए बी सी में। लेकिन ये जो बनता है ना, ये बड़ा इजी होता है। जैसे ये वाला पार्ट तो तुम्हें थ्री को गायब ही कर देगा, ये टू देगा और ये -2x देगा। तो जो बनता है लीनियर वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है कि तीन वेरिएबल का, तीन अननोन का लीनियर। बच्चे इस पे डरते हैं, ठीक है। नोट्स में लिखा है भाई क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, तो थोड़ा उसको थोड़ा ब्रीफ कर लेना, देख लेना, ठीक है। फिर एक बच्चा बोले चलो सर आगे कुछ करते हैं। आगे बोला ना 9 है, 2 तो कर दिए मैंने, 3 और मेरे हिस्से में आ रहा है, 6 3.2 का सी वाला पार्ट। तो आई इक्वल टू क्या दिया है, अंडर रूट ऑफ x-7 अपॉन x-9, ये हो गया dx। फिर बच्चा बोले ये कौन सा टाइप है, फिर उसे याद आएगा कि अरे बीटीएम सर ऐसा तो पहले एक्सरसाइज में भी था। नहीं, उधर 3.2 के बी वाले में जो मैंने क्वेश्चन नहीं बताया था ना, वो इसीलिए नहीं बताया था कि ये यहाँ पे आया हुआ है। और हालांकि वहां पे तो सब्स्टिट्यूशन से वो निपट रहा था, लेकिन यहाँ ये वाला मेथड करोगे तो तुम्हें यूनिवर्सल याद रहेगा कि अगर ऊपर नीचे दोनों जगह ये +7 हो जाए, -7 हो जाए तो कैसे डील करते हैं। बहुत बड़ा टास्क नहीं है, सेम वे में करो। कोई बच्चा बोले सेम वे में, सेम वे में कहने का मतलब है कि ऊपर वाले पार्ट को रूट से बाहर निकाल दो। कोई बच्चा बोले कैसे, वही यार कैसे निकालते हैं रूट से बाहर, x-7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो अभी ये सेम प्रॉब्लम तुम्हें ऐसे दिखाई देगा, i इक्वल टू x-7 dx, नीचे दिखाई देगा x²-7x-9x -16x और 9 7 जा 63। लो बन गया, इसका डेरिवेटिव 2x-16। चलो बनाते हैं 2x-16 बनाते हैं, कैसे, 2x-14 x²-16x +63, ठीक। अब इसमें एड सब्ट्रैक्ट कर दो, -2 + 2 कर दो, ये इतना ज्यादा टफ नहीं जाएगा। -16 + 2 अंडर रूट ऑफ x²-16x +63, ये हो गया dx। देख लो कहीं कोई दिक्कत आई क्या, आनी नहीं चाहिए। i इक्वल टू 1/2 2x-16 अपॉन x²-16x +63 dx +2/2 dx अपॉन x²-16x +63। देखो कहीं कोई दिक्कत आई, बाकी तो इसका डेरिवेटिव ये है, लेकिन ये dt अपॉन √t बनेगा। dt अपॉन √t के हिसाब से क्या हो गया, 1/2, इसका आंसर ही लिख देते हैं, 2√x²-16x +63। अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो फिर पीछे वाला एक वीडियो देख लो, पीछे वाला वीडियो नहीं, पीछे वाला सम्स देख लो, थोड़ा रिवाइंड करके देख लो। और यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये तो मतलब ये तो बोलते हैं ना हॉट केक वाला क्वेश्चन है। इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है और यूनिटी भी है, -16 बहुत अच्छा नंबर है, इसका आधा 4 हो जाएगा का स्क्वायर 16। 16 ऐड सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करने पे 16, सब्ट्रैक्ट करने पे 63 में से 16 गया, देखो कितना आता है, 13 में से 6 गया तो 7 आ जाएगा, और 5 में से 1 गया तो 47 हो जाएगा, 47 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x²-16x +63 +c1 +dx अपॉन अंडर रूट ऑफ x-4 का होल स्क्वायर +√47 का स्क्वायर।
तो ये एक्स स्क्वायर, ये वाला हो गया ना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो आई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 प्लस एलेन ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 4 प्लस अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट ऑफ मतलब ये पूरा कंटेंट, मतलब ये ठीक है ना, एज इट इज तुम लिख दो। अच्छा कोई बच्चा बोले नहीं सर मैं तो ऐसे ही लिखूंगा जो क्वेश्चन इटसेल्फ, ठीक है, तो फिर एक लाइन और लिखना पड़ेगा तुम्हें। चलो लिख तो दिया, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 प्लस एलेन ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 4 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 63 प्लस सी। देखो कहीं कोई दिक्कत है, होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि बड़ा इजी सा तरीके में मैंने समझाया तुम लोगों को, तरीका बड़ा इजी मैंने बताया, कोई टफ नहीं है, ठीक है। थोड़ा एंड एंड का प्लस सी अगर नहीं दिख रहा होगा थोड़ा समझ भी लेना। चलो तो ये मैंने बता दिए 3.2 सी पार्ट का सिक्स्थ वाला न्यूमेरिकल, जो मैंने कहा था ना 9 न्यूमेरिकल है, 5 में करने वाला हूं, तो 5 में से 3 तो मैंने बता दिए। अब और भी मैं करने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 8 सोच रहा हूं आधा अधूरा बताऊं, फिर मन में आ रहा है कि नहीं यार बच्चे बोलेंगे सर तो बोल रहे थे पूरा पूरा बताएंगे, और थोड़ा क्या है हेल्प होता है ना, अभी इसमें गाइड वाइड तो कुछ आई नहीं है, पीछे का आंसर भी कुछ कुछ अजीब ही दिए गए हैं, चना खा के तो लोग आंसर बना देते हैं। दिख रहा है भाई साइन एक्स को अगर टी माने तो कॉस एक्स डेरिवेटिव है। देखो अगर क्वेश्चन तुम्हें लगे कि हाँ ये जाना पहचाना टाइप है लेकिन थोड़ा हट गया है, कैसे हट गया है कि अरे भाई इसमें साइन कॉस आ गया है, मतलब एफ एक्स और डेरिवेटिव, सब्स्टिट्यूशन मेथड को बार बार याद करो, तीन बेसिक मेथड है, सब्स्टिट्यूशन ठीक, फिर पार्शियल फ्रैक्शन और बाई पार्ट्स, ये तो कहीं पर भी लगते हैं। साइन एक्स को टी माना तो कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो आई इक्वल टू ये हो गया 3 कॉस एक्स की जगह पे हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स की जगह पे हो जाएगा डी टी 4t² प्लस 4t-1, ठीक है वही सेम चीज करते हैं, 3/4 डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1/4, समझा ना, 4 कॉमन ले लिया बाहर कर दिया डिवाइडेड बाय 4 कर दिया, फिर इसका आधे का होल स्क्वायर 1/4 हो रहा है। आई इक्वल टू 3/4 डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/4, आई इक्वल टू 3/4 डी टी अपॉन टी प्लस हाफ का होल स्क्वायर, ये हो गया -2/4 जो हो गया 1/2, और होल स्क्वायर में लिखेंगे तो 1/√2 का होल स्क्वायर, x² माइनस a² हो गया ना। आई इक्वल टू 3/4 एलन ऑफ, अच्छा ये एलन नहीं भाई ये तो रूट वाला नहीं है ना, विदाउट रूट है तो 1/2 वे आता है, ठीक, एलन ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस हाफ माइनस 1/√2 टी प्लस हाफ प्लस 1/√2 प्लस सी, इसको काटोगे तो √2 हो जाएगा, तो 1/3/4√2 ln ऑफ मॉड ऑफ 2√t 2√2t, इसका कैलकुलेशन कर ही लेते हैं 2√t फिर +√2 -2 2√t +√2 +2 प्लस सी,
और फिर टी की जगह पे क्या डाल देंगे, साइन एक्स, 3/4 √2 ln ऑफ मॉड ऑफ 2 √2 साइन एक्स -2 + √2 2/2 √2 साइन एक्स +2 + √2 + c। देखो ये भी हो गया। सो दिस एक्सरसाइज इज अबाउट टू फिनिश, कर ही देते हैं अभी फटाक से, एक और न्यूमेरिकल लेते हैं। होपफुली ये तो बहुत बच्चों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि इजी है कॉन्सेप्चुअली। बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट इसमें नहीं यूज किया था मैंने। चलो एक अभी अगले क्वेश्चन की तरफ मैं जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन है नाइन्थ वाला, नाइन्थ वाले क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं मैं। आई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ ई रेस टू 3x माइनस ई रेस टू 2x अपॉन ई रेस टू एक्स प्लस वन। कोई बच्चा मुझे ऐसे भी कहता है कि सर कभी कभार ना हम लोगों को ऐसा लगता है कि टाइप देख के समझ में आ रहा है, बट एक फटाक से बोलते हैं ना जो क्लिक होना, वो नहीं होता है। तुम देखो पेन चलाने की कोशिश करो, जितना तुम्हारी पेन चलेगी ना। अब एक बच्चा बोलेगा मतलब मैंने देखा ई रेस टू 2x कॉमन है। अच्छा, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि अभी सेम बेस है तो पावर सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो ई रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन ये हो गया ई रेस टू एक्स प्लस वन। फिर बच्चा एक बोलेगा कि सर मुझे तो पहले ही लग रहा था कि वो ई रेस टू एक्स टी लेना चाहिए, उसका डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स नहीं है ना। अभी इसका स्क्वायर रूट मतलब डिवाइडेड बाय 2 होता है, तो ये रहने दो, ये 2 से डिवाइड होगा तो ई रेस टू एक्स, तो ये ऐसे हो जाएगा ई रेस टू एक्स माइनस वन अपॉन ई रेस टू एक्स प्लस वन ई रेस टू एक्स टी एक्स। अब यहाँ पे अगर तुम करते हो कि ई रेस टू एक्स को टी माना तो ई रेस टू एक्स डी एक्स डी टी होगा। तो आई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी माइनस वन अपॉन टी प्लस वन एंड डी टी। आगे करूं थोड़ा, कर देता हूं जहां तक मेरे पास, जहां मेरा बोर्ड जब तक नहीं भरता कर देता हूं, आगे तुम संभाल लेना ठीक है। टी माइनस वन अंडर रूट ऑफ टी टी स्क्वायर माइनस वन। होपफुली एक बच्चा समझ ही गया होगा, सर ने ऊपर नीचे टी माइनस वन से क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ठीक है। तो टी माइनस वन का होल स्क्वायर हो गया, नीचे टी प्लस वन इंटू टी माइनस वन। नहीं याद आ रहा है तो पिछला क्वेश्चन नंबर जो इसके थर्ड क्वेश्चन जो मैंने करवाया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 6 है ठीक है, वो देख लेना। ओके, अब इसका डेरिवेटिव क्या है इसको, तो ये तो बहुत यार इजी वाली चीज है। इसमें तो आई थिंक ये लो सेपरेट कर दिया, टी स्क्वायर माइनस वन डी टी, ये हो गया डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस वन ठीक। अब ये करने के बाद क्या होगा कि 1/2 × 2, तुम्हें तो मालूम है ना क्यों किया, इसका डेरिवेटिव 2t है। ये आ जाएगा 1/2 × 2 √t² - 1 ठीक है। माइनस ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला, ln ऑफ मॉड ऑफ t प्लस अंडर रूट ऑफ t² - 1 जो क्वेश्चन होगा, प्लस सी, ये इसको 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हो ठीक है। अब टी तुमने लिया था ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स का स्क्वायर बोलो, लॉ ऑफ इंडाइसेस यार, ई रेस टू एक्स का स्क्वायर बोलो या ई रेस टू एक्स इंटू टू बोलो, बात एक ही होती है। ई रेस टू 2x - 1 माइनस माइनस ln ऑफ मॉड ऑफ ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू 2x - 1 प्लस सी ठीक। तो देखो तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, बहुत इजी चीज था, क्या था इसमें, कहीं कुछ तो गड़बड़ तो था ही नहीं। चलो तो आज का आज अब मैं 3.4 में एंट्री करूंगा, पार्शियल फ्रैक्शन में ठीक है, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन दिखने में ऐसा ही है तो तुम्हें एक ऑल्टरनेट टूल भी देगा ठीक है। तो आज मैं अभी उसी में एंट्री करने जा रहा हूँ, जब तक इस वीडियो को अच्छे ढंग से देख लो और इस टाइप को हम डिक्लेयर कर देते फिनिश्ड ठीक है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।